वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी का यूज किस तरीके से स्किन वाइटनिंग के लिए कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्किन का टोन एक या दो शेड लाइटर हो जाए, आपको गोरी बेदाग त्वचा चाहिए, आपको मुल्तानी मिट्टी को किस तरीके से यूज करना चाहिए। काफी ज्यादा लंबे टाइम से फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी का जो यूज है लंबे अरसे से होता आ रहा है। अब इसका यूज किस तरीके से आपको स्किन वाइटनिंग के लिए करना है, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। मुल्तानी मिट्टी के ढेर सारे फेस पैक, फेस मास्क, बॉडी मास्क आपने यूज करे होंगे, लेकिन उन्हें आपने यूज करे होंगे अपनी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, पिंपल्स की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप फुलर्स अर्थ मुल्तानी मिट्टी का यूज कर सकते हैं, वो भी स्किन वाइटनिंग के लिए। इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग रिजल्ट्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं खुद पर, तो फुलर्स अर्थ से बना इस फेस मास्क, इस होम रेमेडी को आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। थ्रू आउट द वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों के साथ सभी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ और खुद बताने वाली हूँ इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करके। इसे आप अपने हैंड्स पे भी यूज कर सकते हैं, डार्क एल्बोज, नीज पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम रह रही है फेस पर, पिंपल्स बहुत सारे हो रहे हैं, एक्नेस बहुत सारे हो रहे हैं, सिस्टिक एक्ने की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होने वाली है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमें इसे प्रिपेयर कैसे करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर यूज करा है एक पोटैटो का। हमें पोटैटो को पील कर लेना है और इस आलू का हमें जूस एक्सट्रैक्ट कर लेना है। हमें यहाँ पर यूज करना है पोटैटो जूस का। अब पोटैटो में कुछ ऐसे एक्टिव एंजाइम्स हैं जो कि आपके चेहरे से ब्लेमिशेस को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके चेहरे पर पुराने दाग धब्बे हैं, झाइयों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो आलू की मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है, इसे मैंने हल्का सा ग्रेट ऑफ कर लिया है एंड अब मैं स्ट्रेनर की हेल्प से पोटैटो का जूस एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ एक क्लीन बोल में। ये जो पोटैटो जूस है ये आपकी स्किन के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। अगर आपको अंडर आई बैग्स हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं, तो इससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। अब हमने यहाँ पे पोटैटो जूस में ऐड करा है 1 टेबलस्पून ऑफ फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी। दोनों चीज़ों को हमें आपस में अच्छे से मिक्स करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें 1 से 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और ऐड कर सकते हैं। इसे हमें एक लेप की तरह, फेस पैक की तरह अपने फेस पर अप्लाई करना है। साथ ही आप पोटैटो से बने हुए इस होम रेमेडी का यूज कर सकते हैं अपने डार्क एल्बोज पर, डार्क नीज पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारी रेमेडी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसे अप्लाई करने का तरीका बता रही हूँ। इसे आपको अपने पूरे फेस पर लगाना है, अंडर आईज पे लगाना है, आप चाहें तो इसे अपने पूरे नेक पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको नेक पर डार्क लाइंस, फाइन लाइंस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप नेक पर भी इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। हमने इस DIY होम रेमेडी को सिंपल किचन इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से ही बनाकर तैयार करा है। इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं आपसे हर बार यही कहती हूँ कि आप होम रेमेडीज़ को हमेशा फ्रेश ही बनाएं और फ्रेश ही इनका यूज़ करें, स्टोर करके मत रखिए इन्हें। इन्हें बनाना जितना ज़्यादा इजी है इन्हें स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। तो अब मैंने इसे अपने पूरे फेस पर लगा लिया है एंड अब मैं इसे ड्राई होने दूंगी नॉर्मल एयर में, और उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद जब भी आपके फेस पर अच्छे से ड्राई ऑफ हो जाएगा, तब आप अपने फेस को नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं एंड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं, इसे मैं अपने हाथों पर भी लगा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आप इसे सिर्फ अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, पर मैं इसे अपने डार्क एल्बोज, डार्क नीज पर भी अप्लाई करती हूँ। साथ ही मुझे सनटैन की जो प्रॉब्लम है आर्म्स पर, नीज पर, वो भी इससे बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। इसको आपको यूज़ करना है वीक में 2 से 3 बार। आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही सूखने देना है और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने बॉडी को क्लीन अप कर सकते हैं एंड रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे कितना अच्छा निखार आया है। मेरी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्लीन लग रही है, और साथ ही जो सनटैन की प्रॉब्लम थी वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हुई है। परमानेंट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको वीक में 2 से 3 बार इस रेमेडी को फॉलो करना है। सो गाइज, डू लेट मी नो कि ये वीडियो कैसा लगा। देखा आपने कितना इजी है इस DIY को प्रिपेयर करना। ये होम रेमेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए अगर आपकी ऑयली स्किन है। आपकी स्किन को बिल्कुल अंदर से ग्लोइंग बना देगी, ब्राइटन अप कर देगी। जो आपकी स्किन की खोई हुई डलनेस है, अगर आप बहुत ज्यादा थकान में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इसी वजह से अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है और आपकी स्किन पे डलनेस आ गई है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ ये होम मेड रेमेडी आपकी स्किन की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई और बहुत ही अच्छे होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए। बाय बाय।